बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास किचन। आज हमने किचन बना रहे हैं देसी डिश मसर चावल, जिसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए जी, सबसे पहले हमने ले लिए हैं हाफ के जी मसर। इनको हमने अच्छी तरह साफ करके धो के एक घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और हमने अब इसमें शामिल करना है तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी हमने धो के काट लिया, चॉप कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दूध है। दूध से मसर जो है बहुत ही मुलायम से बन जाएंगे। और 1/2 कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। और ये हमने चिकन क्यूब ली है, इसमें नमक ऑलरेडी होता है इसलिए हमने इसमें नमक कम इस्तेमाल करना है। और ये हमने ले लिया सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 टीस्पून हमने ले लिया है गरम मसाला। अब हम इसको पकाने की तरफ लेके जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने पहले से काट के रखा हुआ था। इसको हम हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन की तरफ ही लेके जाना, मुझे इसको ज़रा सा सौते करना है, कलर चेंज करना है हमने इसका। इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तो भी ये बहुत ही मज़ेदार मच्छर बन के तैयार होंगे। आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है इसकी। जी तो भी यहाँ पर ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन से कलर चेंज हो गए हैं इसका। अब हम इसका मसाले शामिल करेंगे, ये सारे मसाले जो हमने आपको बताएंगे इसमें शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मसाला हमने इसमें सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। देखें आप, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। मसाला हमने भून लिया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे मसर जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे, इस पानी समेत हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप दूध, 1 ग्लास पानी का शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह मसल इसमें हल हो जाए। अब हम इसको प्रेशर बंद करके 20 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमारे मसल रेडी हो चुके हैं, बड़े अच्छे से ये गल चुके हैं, मुलायम मसल तैयार हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे तड़का इसको। हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है कुटा हुआ, और कुटी हुई ये लाल मिर्च है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे इसको। घी अच्छे से गर्म हो चुका था, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। हमने इसको तड़का लगा दिया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी देगची में डाल के रख दिया है, इसमें हमने 2 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 इसमें लौंग शामिल किए हैं, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के शामिल किए हैं, और 2 ही इसमें सब्ज़ इलायची शामिल की है। अब ये पानी बॉयल हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे जो कि मैंने पहले से भिगो के रखे थे। तकरीबन 750 ग्राम चावल हैं, ये हमने भिगो के इसको पहले रख दिया था।
अब इसमें शामिल कर देंगे। अब ये बॉयल हो जाए अच्छी तरह, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, ये चावल बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे, पानी इनका रिमूव कर देंगे और चावल हम दोबारा से दम के लिए रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, चावल बॉयल हो चुके हैं, पानी इनका ड्रेन कर दिया हमने, अब हम इसको लगाएंगे दम पे। इसके लिए हमने यहाँ पे तकरीबन हाफ कप घी का ले लिया, इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार से मसर चावल रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे हेल्दी सैलड के साथ। हमने इसके साथ मिक्स अचार लिया है, अब हम इसको इसके साथ सर्व करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।